हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बात करेंगे आपके बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार पूछा जा चुका है। वह प्रश्न है दोस्तों कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, वो कौन कौन से ऐसे कारक है जो बच्चे को सीखने को प्रभावित करते हैं, उसके लर्निंग को, उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं इसका उत्तर। इस कारक को आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग कैन बी क्लासिफाइड इन द टू फॉर्म। पहला क्या है, पर्सनल कारक यानी कि पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि पर्यावरणीय कारक। अब इस पर्यावरणीय कारक में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला होम गृह कारक और दूसरा विद्यालय का इन्वायरमेंट यानी कि स्कूल के कारक और स्कूल के फैक्टर। तो इस प्रकार से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। व्यक्तिगत कारण भी बच्चे को सीखने में प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारण जैसे क्या, अब उस बच्चे का मान लीजिए उसकी हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, उस बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसकी चीज़ें। हालांकि ये चेंजेबल है, ऐसा नहीं कि किसी के माँ बाप पढ़े नहीं हो तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपके कठिन परिश्रम पे ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, बात की जा रही है कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल ये भी एक कारक है, उसके वंशानुक्रम उसका एक रीज़न होता है, फैक्टर होता है उसके लर्निंग को अफेक्ट करने के लिए। दूसरा उसका कौशल, उसका एप्टीट्यूड, उसकी योग्यता, वो किस तरह से पढ़ा लिखा है। इसीलिए अगर मान लीजिए दो क्लास के बच्चे को एट्थ क्लास में डाल दे तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं उस चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट है अधिगम का उद्देश्य, गोल ऑफ लर्निंग, कि वो बच्चा सीख क्यों रहा है, क्या उसके सच में उसके अंदर ये जज्बा है, वो जुनून है कि उसको कुछ पाने के लिए सीख रहा है या जबरदस्ती उसके माँ बाप भेज रहे हैं। तो इसीलिए उद्देश्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य भी क्या करता है, प्रभावित करता है। स्व अनुशासन, बच्चा कितना अनुशासित है। तो अगला पॉइंट है मेच्योरिटी, परिपक्वता, कि बच्चा कितना मेच्योर है, मेंटली भी और फिजिकली भी वो समाज को कितना समझता है, चीज़ों को कैसे जानता है। सेल्फ इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि है कि नहीं, बच्चे की रुचि होगी तो वो बेहतर पढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये भी एक व्यक्तिगत कारक है, पर्सनल फैक्टर है उसके अधिगम को यानी उसके लर्निंग को प्रभावित करने के। उसको स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, वो हेल्थी है कि नहीं, ठीक ठाक है, बीमार तो नहीं रहता। ये सारे वो कारक हैं, पर्सनल कारक, व्यक्तिगत कारक, जो एक बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि वातावरण कारक। तो उसके पहला घर हो गया, दूसरा विद्यालय। तो घर 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 के वो कौन से कारक हैं जो उसको, उसके सीखने को, उसके अधिगम को, उसके लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं। पहला पेरेंट्स रोल, एक अभिभावक की क्या भूमिका है। अगर माँ बाप उसके पढ़ाई पे, उसके सीखने पे जोर दे रहे हैं तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा, अगर उसका सपोर्ट करें। समुदाय, समाज यानी कम्युनिटी, सोसाइटी, वो कहाँ से बिलोंग करता है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कैसे लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं कि कैसे लोग हैं, तो उस प्रकार का असर उसके ऊपर पड़ता है। फाइनेंशियली सपोर्ट, उसका आर्थिक सहयोग कैसा है, उसके घर पे फाइनेंशियल हालत कहता है। तो उसके घर का ये कारक है जो बच्चे को अधिगम में प्रभावित करता है, उसके लर्निंग पे इफेक्ट डालता है। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे विद्यालय की बिल्डिंग कहाँ है, कौन से जगह पे है, उसका क्लासरूम कैसा है, लोकेशन क्या है, अच्छी जगह पे होगी तो बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगता है और उस हिसाब से उसके सीखने की वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शिक्षक का एप्टीट्यूड, अध्यापक की योग्यता, जो बच्चे सिखा, बच्चों को सिखा रहा है वो टीचर खुद में कितना योग्य है, वो कितनी ट्रेनिंग हुई उसकी, वो खुद कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी चीज़ें स्कूल के वो कारक हैं जो बच्चे के अधिगम को, बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। पुरस्कार और दंड, मतलब जहाँ भी वो सीख रहा है वहाँ पे फैसिलिटी कैसी है, पुरस्कार और दंड की अभिप्रेरणा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि बच्चे कितना मोटिवेटेड है उस चीज़ को पढ़ने के लिए और स्कूल वाले उसको कितना मोटिवेट कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। और टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण तकनीकी, कि किस विधि से उसको पढ़ाया जा रहा है, क्या उसको बस रटाया जा रहा है या फिर करके सिखाया जा रहा है या खेला, तो किस विधि से पढ़ाया जा रहा है, शिक्षण तकनीकी क्या है, टीचिंग मेथड क्या है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। बहुत छोटी सी और आसान सी टॉपिक थी, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, की कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चे के अधिगम को यानी कि सीखने को प्रभावित करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमने डिस्कस किया दो कारक, कौन सा, एक व्यक्तिगत कारक, दूसरा इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण कारक। इन्वायरमेंट में दो रहे थे, स्कूल और होम। तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स बना के लिखिए, अगर 8 नंबर में आता है या फिर 15 नंबर में, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार इसमें से नोट्स देखिए, पढ़िए, समझिए और बस आसान से शब्दों में आप ऐसे लिख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, छोटे छोटे वीडियोस बना के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपना खुद ख्याल रखिए, पढ़िए और हाँ, अभी तक आपने चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए, बाकी इसी प्रकार से आपको वीडियोस मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।